हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं फिर से रिप्रेजेंट हुआ हूँ। संस्कृत व्याकरण के प्रत्यय, बेसिक प्रत्यय मैंने बता दिया था, प्रत्यय चैप्टर लेकर के रिप्रेजेंट हुआ हूँ, जो कि मतलब सीट एट स्टेट के लिए प्रत्यय पूछना ही पूछना है। और इससे क्या होता है कि रटंत विद्या एकदम नहीं चाहिए। आप लोग देखिए, पूरी तरह से इस वीडियो को देखिए और देख करके फिर इसका याद कीजिए, आप चाहे जो भी कीजिए। कृत प्रत्यय का मतलब होता है जो प्रत्यय धातु यानी क्रिया में लगता है। क्रिया में लगने वाला प्रत्यय को कृत, कृत जोड़ प्रत्यय। कृत का मतलब होता है धातु, कृत मतलब धातु, कृत मतलब किया गया, तो किया गया जो चीज है धातु है, क्रिया है। क्रिया यानी कि काम करने के बोध होता है, जिस शब्द से उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना लिखना खाना पीना उठना बैठना सारा का सारा चीज क्रिया है। क्रिया के बगैर कोई व्यक्ति मतलब कि नहीं रह सकता। यानी कि कृत प्रत्यय दो होते थे, सात प्रकार के होते हैं कृत प्रत्यय देखा जाए तो, और सातों प्रकार के भेदों को हम बताएंगे। पहला प्रत्यय का नाम है तव्यत या तव्य, तव्यत या तव्य, दोनों बात देखिए कि त का लोप हो जाता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यदि किसी प्रत्यय के शुरू और अंत में कोई शब्द आधा हो तो आधा वाला शब्द लोप हो जाता है, तो तव्यत एवं जो तव्य प्रत्यय है वह तव्यत ही है जो तव्य बना हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं पठी जोड़ तव्यत या पठी जोड़ तव्य, तो पठी तव्य, पठ जोड़ तव्यत तो पठितव्य, क्री जोड़ तव्यत कर्तव्य, क्री धातु में तव्यत लग गया तो क्री जोड़ तव्यत तो हो गया कौची कर्तव्य, ने जोड़ तव्यत नी जोड़ तव्यत, नी माने ले जाना, नी जोड़ तव्यत नेतव्य, यानी चाहिए के अर्थ में इसका होता है। पठ जोड़ तव्यत पठितव्य पढ़ना चाहिए, क्री जोड़ तव्यत कर्तव्य करना चाहिए, ज्ञा जोड़ तव्यत ज्ञातव्य जानना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, यानी बहुत सारे क्रियाओं में लगता है तव्यत प्रत्यय। जैसे एक हम उदाहरण दे चुके हैं, मया ग्रंथा पठितव्य, यानी मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मया ग्रंथाः पठितव्य, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। त्वया गीता पठितव्या, तुम्हें गीता पढ़ना चाहिए। तेन पुस्तकम पठितव्यम, उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए। देखा जाए कि सारे के सारे जो वाक्य हैं दोस्तों, ये सारे वाक्य आत्मन्य पद में बनाए हुए हैं। इसके धातु आत्मन्य पद में है, यानी इसका वॉइस बना हुआ है पैसिव। ये जो हमने उदाहरण दिए ये पैसिव वॉइस का उदाहरण सारा है। मया ग्रंथा पठितव्य, यानी मुझे के मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। तो या गीता पठितव्य, तुम्हारे द्वारा गीता पढ़ा जाना चाहिए। तेन पुस्तकम पठितव्यम, उन लोगों के द्वारा पुस्तक पढ़ना चाहिए या उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए, बात देखिए उसके द्वारा पुस्तक पढ़ना चाहिए। नी जोड़ तव्यत, तव्यत क्या देखिए, नी जोड़ तव्यत नेतव्य, क्री जोड़ तव्यत कर्तव्य, यानी तव्यत प्रत्यय यहां पर दोस्तों बैठा हुआ है। देखिए तव्यत प्रत्यय आप लोगों को दे चुके हैं हम लोग। तव्यत के बाद दूसरा प्रत्यय है, इसका नाम है अनियर। अनियर में लोप हो जाता है रह का, क्योंकि रह है आधा और आधा जो होता है वो सारा लोप हो जाता है। जैसे श्रवण जोड़ अनियर तो श्रवणीय, क्रीडन जोड़ अनियर क्रीडनीय, यानी योग्य। अनियर प्रत्यय प्रत्यय को हम लोग योग्य के अर्थ में रखते हैं। श्रवण जोड़ अनियर श्रवणीय माने सुनने योग्य, क्रीडन जोड़ अनियर क्रीडनीय खेलने योग्य, ये सारे प्रत्यय दोस्तों हैं। उसके बाद अनियर के बाद तीसरा प्रत्यय आता है यत प्रत्यय। फिर से बता दे रहे हैं,
कृत प्रत्यय के सात वो भेद होते हैं जिसमें दो भेद हम लोग पढ़ दिए, एक तव्यत या तव्य और दूसरा है अनियत। कृत स्त्री और तद्धित प्रत्यय तीन प्रकार के प्रत्यय हो गए दोस्तों। प्रत्ययों की संख्या तीन है, पहला प्रत्यय का नाम कृत प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय का नाम तद्धित प्रत्यय और तीसरा प्रत्यय का नाम स्त्री प्रत्यय। लेकिन हम लोग अभी पढ़ कौन वाला प्रत्यय रहे हैं तो कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्यय के दो गो भेद पढ़ लिए, तीसरा प्रत्यय हमको पढ़ना है, उस प्रत्यय का नाम है यत प्रत्यय। यत का मतलब है त का लोप होकर के म हो जाता है, त का लोप होकर म हो जाता है, यत बदल जाता है यम में। ये सारे प्रत्यय वैदिक का वैदिक संस्कृत से रिलेटेड, प्राचीन संस्कृत में ये सारे प्रत्यय दिए जाते थे, प्राचीन संस्कृत के बाद। तो बहुत सारे ऐसे संस्कृत के वाक्य हैं, आज हजार गुना छोटा आज का संस्कृत है वैदिक संस्कृत। वैदिक काल में जो संस्कृत बोले जाते थे यत को आज यम बोला जाने लगा है नियमानुकूल। जैसे यत पठ जोड़ यत, पठ जोड़ यत तो यम हो जाएगा दोस्तों, तो पठ जोड़ यत तो पाठ्यम। ची मान चुनना तो ची जोड़ यत चेयम, सबका नियम है। चेयम कैसे हो गया, पाठ्यम कैसे हो गया। लभ जोड़ यत, लभ माने प्राप्त करना होता है, लभ अंग्रेजी शब्द नहीं है दोस्तों, लभ का मतलब यहां प्राप्त करना हो गया। लभ जोड़ यत लभ्यम, लभ्यम यानी प्राप्त करना चाहिए। ज्ञा जोड़ यत, ज्ञा जोड़ यत ज्ञायम, ज्ञायम माने जानना चाहिए। यत के बाद नियत प्रत्यय है, नियत का अर्थ भी चाहिए ही होता है। यह जो शब्द है इस शब्द का नाम है नियत प्रत्यय, नियत। ये तीसरा प्रत्यय था, ये चौथा प्रत्यय है, इसका नाम है नियत प्रत्यय। नियत में भी हम लोग देखेंगे आधा न आधा त तो है, ये दोनों का लोप हो जाता है और बच जाता है य। य बचेगा तो हमेशा य बराबर यम होता है। यहां भी य बचा था तो य बराबर यम मानेंगे और यहां भी य बराबर यम मानेंगे। यम यानी कि ए पर बिंदु रहेगा चाहे ऐसे रहेगा, दोनों बतिया एक ही है, यम रहेगा। तो देखना है ग्रह जोड़ नियत, ग्रह माने होता है प्राप्त करना, लेना, ग्रहण करना। तो ग्रह जोड़ नियत ग्रह्यम, ग्रह्यम माने लेना चाहिए। पठ जोड़ नियत पाठ्यम, वस्तुतः यत और नियत दोनों एक ही चलेंगे लेकिन एग्जाम में पूछ देगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इसको समझ जाए। पक्ष जोड़ नियत तो हो गया दोस्तों पाठ्यम। तो देखे हम लोग इसमें भी दो गो प्रत्यय पढ़ा दिए, सात में से दो गो पहला उठा, पहला के नाम तव्यत अथवा तव्य, दूसरा का नाम अनियत, तीसरा का नाम यत, चौथा का नाम नियत। यत का मतलब यम, पठ जोड़ यत पाठ्यम, ची जोड़ यत चयम, लव जोड़ यत लभ्यम, ज्ञा जोड़ यत ज्ञायम, नियत नियत यानी लोप हो गया, गृह जोड़ नियत ग्रह्यम, पठ जोड़ नियत पाठ्यम। नियत जो प्रत्यय है दोस्तों, यह नियत प्रत्यय ही यत प्रत्यय है, यानी दोनों एक समान है और समान अर्थ दोनों के होते हैं। अब पांचवा प्रत्यय, छठा और सातवां इसी में समाप्त कर देते हैं। पहला नीनी प्रत्यय, नीनी प्रत्यय, नीनी ये प्रत्यय है वैदिक संस्कृत का प्रत्यय, ये अभी कृत प्रत्यय से ही लगेगा। कृत प्रत्यय से लग करके ये सारे के सारे अलग अलग अर्थ को चेंज कर देंगे। जैसे नीनी का मतलब होता है इन,
नीनी का मतलब इन होता है, जैसे ग्रह जोड़ नीनी, नीनी का मतलब इन करेंगे, इन, जैसे ग्रह जोड़ नीनी हो जाएगा ग्राहिण, ग्राहिण पढ़ने वाला, लेने वाला, ग्राहिण। पठ जोड़ नीनी, पठ जोड़ नीनी पाठिन पढ़ने वाला। ये सारे नीनी प्रत्यय के उदाहरण है। नीनी के बाद है कत प्रत्यय। कत यानी त खाली रहेगा, बाकी सब अल्पविराम का लोप हो जाएगा। कत पठ जोड़ कत पठित, ग्रह जोड़ ग्रह मान लेना, ग्रह जोड़ कत गृहित, गृह जोड़ कत गृहित लिया गया, पठित पढ़ा गया, कत गृहित कत त। उसके बाद कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय पठ जोड़ कत्वा पठित्वा, लिख जोड़ कत्वा लिखित्वा। ये आज हम खत्म कर दिए कृत प्रत्यय। दोस्तों आशा करते हैं कृत प्रत्यय के बचे हुए भी और सारे प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय के उप प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि आगे के वीडियो में आप लोगों को प्राप्त होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।